अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज जो ही रिमेनिंग पार्ट टू को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आपसे, जो कि सीआरओ से मुतल्लिक है। सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी सिर्फ हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन गन की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, सारी की सारी वो डिस्कशन में आई थी। अब इसका दूसरे जो पार्ट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। दूसरा जो इसका मेन हिस्सा है वो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। आप देख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे बात हो रही है हमारी। कहते हैं होता क्या है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। कहते हैं रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है, इलेक्ट्रॉन गन से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है वो पास होना शुरू हो जाती है। और पास होती है किस में से, दो पेयर के साथ, दो पेयर प्लेट्स की होती हैं और एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं कि डायरेक्शन में होती हैं। और इसी तरह ये पेयर ऑफ प्लेट्स जो हैं हॉरिजॉन्टली प्लेस तो होती हैं, पैरेलल होती हैं मगर, ठीक है। और पोटेंशियल दिया जाता है इनके दरमियान, और इसके बाद कहते हैं जब इनके दरमियान पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये प्लेट्स जो होती हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करने की सलाहियत पैदा कर लेती हैं, ठीक है। और कैसे कर लेती हैं या किस सिम्त में कर लेती हैं, कहते हैं ये वर्टिकल जो है वो कर सकती हैं डायरेक्शन में या वर्टिकल प्लेन में। मतलब इस तरह से मैं आपको ये थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये प्लेट्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हमारे पास आ रही है, ठीक है, और इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टली। वो प्लेट्स कैसे लगी होती हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जिससे जो आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्ट तो होगी मगर वो वर्टिकल डिफ्लेक्ट होगी। कैसे होगी देखें, एक प्लेट में इस मिसाल दे रहा हूँ, ये लाइन आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ये एक एक्स प्लेट है, ठीक है, और एक और ये नीचे एक एक्स प्लेट है, ठीक है। ये एक्स आप दोनों साइड्स पे मतलब कर लें तो अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो वर्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट होगी, या तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, या वो इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ आपसे थोड़ी सी डिस्कस करनी थी कि ये दोनों प्लेट्स जो हैं जिनकी बात कर रहा है ये एक्स और ये एक्स आप डैश कह लें, ठीक है, इसमें होता है कि इसमें करंट का जो सोर्स होता है वो है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। तो इस सोर्स में जो अल्टरनेटिंग कि बेसिकली ये जो प्लेट्स हैं इनको जो पोटेंशियल डेवलप होता है इनमें कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसका पोटेंशियल बेसिकली डेवलप होता है। अब होता ये कि करंट जो होता है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो इस वजह से कभी बीम जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाती है कि पॉजिटिव चार्ज समटाइम इस प्लेट पर डिवेलप होता है, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव आ जाता है। यानी अगर एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे इस तरह कहता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है कि करंट के अंदर जो है ना वो करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है, मींस कि ये कभी ऐसे मूव करता है और कभी ऐसे मूव करता है, ठीक हो गया। तो अब ये है कि अगर ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हम इसको कंसिडर करते हैं साइकिल को, तो ये नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर होगा तो नेगेटिव साइकिल नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह जब अगला साइकिल डिवेलप होगा तो अगला साइकिल क्या करेगा, अगला साइकिल ये होगा कि वो हो सकता है कि वो यहाँ पर जो है जब नेक्स्ट साइकिल आए तो इस नीचे वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी डिफ्लेक्शन जो है ना बेसिकली बेटा उसमें ये होता है कि ये डिफ्लेक्शन जो होती है प्लेट्स के ऊपर ये दोनों साइड पर होती है, तब ये लाइन आपको वर्टिकल नज़र आती है। मतलब ये वर्टिकल लाइन कब नज़र आएगी कि जब दोनों साइड्स पर डिफ्लेक्शन हो रही होगी, किस साइड पर, एक ऊपर वाली साइड पर और एक नीचे वाली साइड पर। यानी कि प्लेट्स जो हैं वो आपकी एक्स और एक्स डैश, ये एक्स है और ये आप इसको एक्स डैश या ऐसो कह दें ऐसो कह दें, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ तो इधर आके डिफ्लेक्ट होगी या वो इधर आके डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही वो आपको मसलसल नजर आना शुरू हो जाएगी यानी मसलसल डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप इसको कह देते हैं कि 50 हर्ट्ज़ करंट की फ्रीक्वेंसी होती है जो आमतौर पे एसी करंट होता है, तो अगर आप ये कह लें कि एक सेकेंड में आपको 50 दफ़ा वो ये वर्टिकल मोशन नज़र आएगी उसकी एक सेकेंड के अंदर,
मतलब आप साइकिल्स पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली करंट की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ कि करंट जो है वो असल में इन प्लेट्स को दिया जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, वर्टिकल जो है वो क्या करेगा, मूव करवाएगा ऊपर नीचे, कभी ऊपर मूव करवाएगा कभी नीचे मूव करवाएगा, वर्टिकल मूव करवाएगा। और इसके साथ साथ ये जो 50 टाइम्स जो है वो क्या करेगा, इसको वो आप कह सकते हैं एक सेकंड के अंदर वो क्या करवाएगा इलेक्ट्रॉन बीम को, ये प्लेट्स ऊपर नीचे हरकत दिलवाएंगी। तो हमें ऐसा नज़र आएगा कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन नज़र आ जाएगी। तो ये असल में डिस्कस करने का मकसद आपसे सिर्फ ये था कि आपको समझाया जाए कि ये होगा कैसे। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, जो मैंने भी आपसे यहाँ पर डिस्कशन की है, बात की है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जब आपको देखा नज़र आएगा कि वर्टिकल प्लेन बीम जो है वर्टिकल प्लेन में आपको क्या करती हुई नज़र आएगी, आपको डिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी, डिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आएगी। अब यही चीज़ आगे बात कर रहा है कि अगर ये पेयर ऑफ प्लेट्स को देखा जाए जो जो कहता है प्रोवाइड किया जाता है वाई एक्सिस पे और वर्टिकली, ठीक है, पहले जो ऊपर वाली बात की थी वो की थी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की, अब बात हो रही है वर्टिकल प्लेट्स की। तो मूवमेंट जो होगी ऑफ द स्पॉट कहता है ऑन द स्क्रीन क्या होगी, वो कहता है कैसे हो जाएगी, वो असल में जो वाई प्लेट्स की वजह से है, ठीक हो गया। तो देखें पहले तो ऊपर बात की है जो पोटेंशियल डिफरेंस जो था ऊपर वाली लाइन में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अप्लाइड बिटवीन पेयर ऑफ प्लेट्स प्रोवाइड्स द वाई एक्सिस और वर्टिकल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। अब पेयर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स, ठीक है, और पेयर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स कहते हैं प्रोवाइड करती हैं एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर किस तरह की मूवमेंट जाहिर करती है, वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जाहिर करती है। लेकिन ये प्लेट्स किस कौन सी वाली हैं, ये एक्स वाली प्लेट्स नहीं है, ये वाई वाली प्लेट्स हैं। यानी कैसे लगी होती हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। ये प्लेट एक यहाँ लगी हुई है, ठीक है, एक प्लेट जो है वो इसके बिल्कुल सामने लगी हुई है, ठीक है। ये तो था ना कि एक प्लेट मैंने जो एक्स एक्सिस की बताई थी वो एक नीचे थी एक ऊपर थी। ये इस तरह से है कि एक जो है वो आप कह सकते हैं उस एक प्लेट सामने पड़ी हुई है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और प्लेट पड़ी हुई है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं इनको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेट्स, यानी ये वाई और ये वाई डैश। जिस तरह मैंने ऊपर एक्स और एक्स डैश की बात की थी, इस तरह वाई और वाई डैश। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्या करेगी, वो हॉरिजॉन्टली, मतलब ये कि आप इसको कह लें कि ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये इसका वाई एक्सिस ये वाला है, ठीक हो गया, इसका वाई एक्सिस ये वाला है और नीचे जो आप देख रहे हैं उसका भी यही है। अब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी हुई हैं प्लेट्स, ठीक है, तो इसलिए अब जब इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगी तो वो या तो इधर मूव करेगी या फिर वो इधर मूव करेगी, ठीक हो गया। और ये मूवमेंट जो होगी ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नजर आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा इस टॉपिक को समझने में, असल में ये टेक्निकली थोड़ी सी डिस्कशन है कि अगर आप एक क्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं क्यूब बना के आपको दिखाता हूँ, उससे आप थोड़ा सा आइडिया समझिएगा कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ ये क्यूब की सूरत बना के दिखा रहा हूँ, ये क्यूब देखिएगा ताकि इससे आपको एक अच्छी तरह समझ में आ जाए बात कि हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कि प्लेट्स की डिस्कशन हो रही है और प्लेट्स में कैसे ये डिफ्लेक्शन होती है। देखें जी, ये वाली जो प्लेट है ना ऊपर वाली, ये एक्स है और ये नीचे वाली जो है वो एक्स डैश है, ठीक है, ये सामने वाला फेस वाई और ये वाला जो इसके ऑपोजिट है वो वाई डैश है, ठीक है। अब ये दो प्लेट जो है ये वाली एक्स वाली, ठीक है, इनमें जो मोशन होगी वो वर्टिकल होगी, यानी कि ये नीचे ये वाली वर्टिकल मोशन है, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं वाई प्लेट्स हैं इसमें जो मोशन होगी बेटा वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ये मोशन जो है ना, जब मेरे एरो आप देख रहे हैं यानी एरो की हेड डायरेक्शन देख लीजिएगा जो आपको मोशन से वो समझने में आसानी हो जाएगी, ये डायरेक्शन है जी ऊपर से नीचे और कभी ये नीचे से ऊपर जा सकती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर देता हूँ ताकि इसको आप मज़ीद अच्छी तरह समझ लें और मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर लें, मैं इसको एक और ज़रा तरीके से समझा देता हूँ। तो इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा इस डायग्राम को, मैं ये दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि जो हॉरिजॉन्टल बीम ने मूव करना है वो कैसे मूव करना है। देखिए जी, सबसे पहली बात, मैं एक ब्लॉक फिर दोबारा से बनाऊँगा, ठीक है। ये वाली प्लेट देखिएगा, ये जो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये कौन सी प्लेट्स हैं, ज़रा इसको देखिएगा, ये प्लेट्स बेटा ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, कौन सी प्लेट्स हैं, वर्टिकल। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन की बीम आते हुए इसमें से गुजरते हुए जो डिफ्लेक्ट हो सकती है वो या तो इस प्लेट पे होगी,
या वो इस प्लेट पे होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना बीम क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी दूर से आते हुए, या तो इधर मुड़ जाएगी या वो इधर मुड़ जाएगी। ठीक हो गया। ये तो थी कौन सी, ये थी आपके पास कौन सी प्लेट्स थी, वर्टिकल प्लेट्स थी, यानी वाई प्लेट्स थी, ये वाई डैश है और ये वाई प्लेट है। ठीक हो गया। दूसरी बात आगे लेके जाऊंगा जो इससे अगली डिस्कशन है, मैं वो एक्स एक्सिस की प्लेट्स के ऊपर बात कर रहा था जो ऊपर, उसमें ये है कि आपके पास ये वाली प्लेट्स जो होंगी, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, और ये नीचे वाली। ठीक हो गया। इसको अगर आप देखें तो ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आएगी वो या तो इस तरफ से मूव करेगी, इस तरफ चली जाएगी, या ये इस तरफ आ जाएगी। तो ये जो मूवमेंट है ये कौन सी है, ये आपकी वाई एक्सिस की मतलब मूवमेंट है, और वाई वर्टिकल प्लेन से कहेंगे, और ये जो प्लेट्स हैं इनको हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कहेंगे, यानी ये एक्स है, ये वाली प्लेट एक्स, ठीक है, और ये वाली प्लेट जो है ये एक्स डैश है। तो ये था आज के वर्किंग के ऊपर बात हो रही थी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की, कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को आखिर किस तरह से डिफ्लेक्ट करती हैं बीम को। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर वो ये बात मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वर्टिकल जो है वो क्या हो जाएगी, या हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या होगी, वो बीम कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, डिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बाद अगली जो डिस्कशन आती है वो है हमारे पास फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये बेसिकली क्या है, ये स्क्रीन है जो कि कैथोड ट्यूब के जैसे कह सकते हैं, और उसके कैथोड ट्यूब में बेसिकली कह सकते हैं कि ये स्क्रीन जो होती है इसके अंदर क्या लगा होता है, इस कैथोड ट्यूब के अंदर के ये ट्यूब के अंदर एक स्क्रीन की जो मौजूदगी है, ये लेयर होती है बेसिकली, और वो भी किसकी है बेटा, फॉस्फर की, यानी फॉस्फोरस कह सकते हैं इसको आप। और कहते हैं ये जो मटीरियल होता है ये लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे क्या होगा जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम इससे आकर क्या करेगी, टकराएगी, साथ ही इससे क्या होगा, रिलीज हो जाएगी लाइट एनर्जी। ठीक हो गया। लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, एक आप कह सकते हैं कि बीम की ब्राइटनेस भी नज़र आएगी आपको, उसका कलर भी नज़र आएगा। तो ये सब इस वजह से ही प्रोसेस होता है। और इसके बाद कहते हैं ये CRO जो है, ये इसका एक जो बात डिस्कस कर रहा था यही थी कि ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम की विजुअल डिस्प्ले के लिए, यानी कि नज़र आने के लिए कि ये नज़र आ रही है या नहीं आ रही पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये चीज़ डिस्प्ले करने के लिए फ्लोरिसेंट स्क्रीन इस्तेमाल होती है। अगली बात जो आती है बेटा इसके यूजेस के ऊपर है, आसान यूज़ हैं, बहुत ही आसान यूज़ हैं। CRO को यूज़ किस मकसद के लिए किया जाता है, कहते हैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी फील्ड में किया जाता है साइंस की, जैसे डिस्प्लेइंग करने के लिए भी बात हो रही थी, मैंने आपको कही है कि ये वेव फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वोल्टेज की, करंट की, और इस तरह एक रिडार के अंदर भी जो एक जिसे कहते हैं कि वो जहाज़ की लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए होता है, वो भी इसी कहने के इसी टेक्निक के थ्रू, हम रिडार को टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, रिडार की टेक्निक